अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे जो हैं ये देखें बड़े ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने बनाए हैं पूरे और ये बड़ी ही पुरानी रेसिपी है, नानी जान आई हुई थी, कल मैंने उनसे सीखे थे बनाने और आज खुद बनाए हैं आप लोगों के लिए। बहुत आसान है ये रेसिपी और बड़े ही मज़ेदार बने हैं। कल नानी जान के हाथों के खाए थे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही टेस्ट आया जो मैंने बनाए हैं। तो आइए देखते हैं पूड़े जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शक्कर ले लेनी है या गुड़ ले लेना है, उसमें पानी डाल के उतना ही पानी डालना है जितने में सिर्फ ये हल हो जाए और अच्छी तरह हल कर लेना है इसको। थोड़ा और पानी डाल लेंगे, जब गुड़ पानी में अच्छी तरह हल हो जाए तो इसे कर देंगे साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लिया गंदम का आटा, गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। शक्कर या गुड़ जो है वो इतना ही लेना है जितना आपने आटा लेना है, उसमें सिर्फ इसका मीठा हो जाए उसी हिसाब से। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो तेज़ रख लें, नहीं तो थोड़ा कम डाल लें। तो इस गुड़ वाले शरबत को छन्नी के साथ इस आटे पे छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसे करेंगे मिक्स और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। पानी और डालेंगे थोड़ा, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करें। पैन जो लेना है वो फ्लैट पेंदे वाला लेना है, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधा हो। तो उसमें ऑयल डाल के गरम कर लेना है दरमियानी आंच पे। बैटर को मिक्स करेंगे इस तरह और एक कप में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सेंटर में डाल देंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ है तैयार। ये नरम नरम और बड़ा ही मज़े के होते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पूड़े जो हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त हुए हैं तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह पूड़े जो हैं ये देखें बड़े ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्बू ये जो साइड पे देखते हैं इसलिए देखते हैं कि पानी में सांस ना लिया जाए। बिस्मिल्लाह,
तो वो साइड पे चेहरा करके सांस लेते हैं। ये बड़े ही नरम और मज़ेदार बनते हैं। किन्नी की देर पहले अबू जी खादे हाने ते आज किन्नी देर बाद खांदे पे हो? यारी कोई 41-42 इस दौरान दे विच खादे ने ते उस तो बाद कल खादे सन ते अज खादे। हाँ जी अबू जी, मज़ा ही आ गया पुत्र, जिंदाबाद। तो इसी के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।